सिवान के AK-47 कांड में आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई है। MLC उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी। क्या सिवान में भड़के की अदावत की आग? AK-47 कांड में उसामा शहाब पर FIR। हम आपको आगे की कहानी बताएं, उसके पहले सोमवार रात की ये तस्वीरें देख लीजिए। चारों ओर खाली कारतूस की भरमार है। MLC चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। इस मामले में उसामा शहाब समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई है। उसामा शहाब कौन है ये भी जान लीजिए। बाहुबली की गिनती में शुमार RJD के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का ये बेटा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब दुनिया में नहीं है, पर AK-47 कांड में उनके बेटे का नाम आने से सियासी पारा गर्म है। उधर JDU के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने रईस खान से हमदर्दी जताते हुए कहा है इस हमले का हिसाब होगा। बहुत गलत बात है जी, बहुत जितना निंदा कर जाए कम बा जी जी। राजनीत तो केहू बा तो हत्या के राजनीत कल ठीक नहीं है जी जी। AK-47 होके AK-47 होके जो भी काम कैले बा बहुत गलत बा, लेकिन हिसाब हो जोड़ के ऐसा बात नहीं है जी। AK-47 कांड का होना और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पर FIR दर्ज करवाया जाना क्या ये बता रहा है कि सिवान में अदावत की आग भड़कने वाली है? अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, सिवान।